आप अगर कभी बाइक या कार लेके घर से निकले हो और रास्ते में अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेता है और शायद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ी में रखना भूल गए थे, तो आपको भारी भरकम जो फाइन है वो आपको देना पड़ता है। तो इस परिस्थिति से आप कैसे बच सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है कि आप डिजिटली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो नीति हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर कहीं भी किसी को अगर रोका गया तो तुरंत मोबाइल फोन निकाल कर वो दोनों चीजें दिखा सकेंगे। तो ये देश के आम आदमी को, जिनकी संख्या कम से कम 15-20 करोड़ के लोगों को इसका फायदा होने वाला है, और करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रेड टेपिज्म, ये शब्द हम सुनते हैं, पर इस करोड़ों लोगों को इससे निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। तो इस वीडियो में नितिन गडकरी जी ने बताया कि आप डिजिटली कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो ट्रैफिक पुलिस है उसको आप दिखा सकते हैं और आप जो फाइन है उससे बच सकते हैं। तो कैसे आप डिजिटली इस जो सिस्टम है उसको यूज़ कर पाएंगे उसका पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एम परिवहन नाम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है उसको आपको प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऐप्स है और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताएंगे। तो ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आपको प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना होगा एम परिवहन, PARIBAHAN। देखिए सबसे पहले आ गया, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वो सबसे टॉप में आ रहा है RC और DL। RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। तो सपोज आप कुछ भी RC का चेक करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देती हूँ, बाइक गाड़ी का नंबर WB38AD, ठीक है, 1654, कुछ हम रैंडम नंबर एक डाल दिया। तो चेक करते देखते हैं ये डॉक्यूमेंट देखिए शो कर रहा है। तो मतलब गाड़ी का जो RC जितना भी है, गाड़ी का नंबर, ठीक है, उसके बाद गाड़ी का मॉडल, ठीक है, कितना वैलिडिटी कितना है, मतलब सब कुछ डिटेल्स आ गया। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं आपका ये ऐप्स में, ये ऐप्स में ही सिर्फ ये वैलिड है, तो ये ऐड टू माई डैशबोर्ड में क्लिक करना है। तो ऐड टू माई डैशबोर्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग इन करने बोलेगा ये ऐप्स को, ठीक है? तो यहाँ पर जब लॉग इन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा साइन अप। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन अप ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो साइन अप में आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपका नेम और जो जितना भी नेम, उसके बाद एरिया, ऐसा कुछ पूछेगा। तो जो उसके बाद OTP आएगा, OTP जब आप एंटर कर देंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी साइन इन मतलब साइन अप कर लिया है, तो मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। तो साइन इन के टाइम भी OTP यहाँ पर आता है, तो मैं अभी साइन इन कर लेता हूँ। और देखिए मैंने अभी साइन इन यहाँ पर कर लिया। तो उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना चाहते हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल्स, तो यहाँ पर जाके ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करना है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मैं ऑलरेडी एंटर कर दिया, ठीक है? तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डिटेल्स आ गया, इशू डेट, वैलिड डेट, ठीक है? इसका अगर आपको डाउनलोड करना है, डैशबोर्ड में सेव करना है, तो ऐड टू माई डैशबोर्ड में क्लिक करना है। उसके बाद ऐड टू माई डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगेगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर डालना है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ डाल लेती हूँ। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद गो टू डैशबोर्ड एंड चेक योर ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स, तो ये आ गया, ठीक है? तो ये जब आ गया तो हमको डैशबोर्ड में जाना है और जो लेफ्ट साइड के ऊपर में जो ट्रिपल लाइन सिलेक्ट करें वहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया
डीएल डैशबोर्ड, ठीक है, डीएल डैशबोर्ड में जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका मतलब ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको बारकोड के साथ पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, मतलब प्लैट ग्रुप पूरा डिटेल्स। तो इसको आप किसी भी ट्रैफिक पुलिस को शो कर सकते हैं और यहाँ से आप जो आपका फाइन है फाइन से बच सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि डिजिटली सब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट अभी होगा। तो ऐसे आप इसको ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और साइड में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।